अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिबा व्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल डिश, जिसका नाम है कि आलू चिप्स पकौड़ा एंड प्याज पकौड़ा, जो कि बहुत ही आसानी से घर पे आप बना सकते हो। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते रहिए मेरे चैनल को। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है और एक पैन को इस पर रख दिया है। पैन में मैंने यहाँ पे तेल डाल लिया है, जितने में कि फ्राई हो जाए इतना ही तेल डाला है मैंने। यहाँ पे एक बाउल में 200 ग्राम बेसन ले लिया है। मैंने यहाँ पे भूरी मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून में जीरा ऐड कर रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेना है और मैं 1 लेमन का जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। वहीं हम धनिया पत्ती भी इसमें ऐड कर लेंगे। चलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक साथ में पूरा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो आपका पेस्ट पतला हो सकता है। और इसे धीरे धीरे से इसको मिला लेना है। चलिए हम इसमें और पानी ऐड कर लेते हैं। एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। हम एक ही पेस्ट में दोनों चीज बनाने वाले हैं। देख सकते हो आप मैंने कितना गाढ़ा रखा है। यहाँ पे इतना गाढ़ा रखना है जिसमें कि आलू पे अच्छा सा पेस्ट ही चिपक जाए। तो हम आलू की पपड़ी को यहाँ पे डिप कर करके फ्राई करने के लिए पैन में डाल लेंगे। एक एक करके डालनी है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एक करके सारी इसमें डाल ली है, जितने की इसमें आ गई, और चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर रखा है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे निकाल लेना है। चलिए मैं फिर से वही प्रोसेसर स्टार्ट कर रही हूँ। एक एक पपड़ी को यहाँ पे डिप कर करके हमें पैन में डाल लेना है और सारी हम इसी प्रकार से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। चलिए मैं इसे आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी फूली फूली सी बनी है, एकदम गोलगप्पे की तरह। और अंदर से भी इसका आलू पक गया है अच्छे से। चलिए हम बचे हुए बेसन में प्याज ऐड कर लेंगे, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और मैं यहाँ पे प्याज के पकोड़े इसमें फ्राई कर रही हूँ। देखा मैंने एक ही पेस्ट से दो चीज़ें तैयार कर ली है। चेंज कर लेंगे और इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। रमज़ान में तो हम वैसे भी 4-5 चीज़ें डिश यहाँ पे बना लेते हैं इफ्तारी के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डिश एक साथ में बनाई हैं। आई होप आपको पसंद आए।
देखिए मैंने इसे यहाँ पे प्लेटिंग कर लिया। देखिए अभी तक भी ये फूली फूली है। पकौड़ा हमारे क्रंची से बने हैं यहाँ पे। चलिए मैं आप इसको दोबारा से तोड़ के बता रही हूँ। देखिए आलू अच्छे से यहाँ पे पक चुका है हमारा अंदर से, और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मैं फिर मिलूँगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।